हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सभी वकीलों के लिए अनिवार्य परीक्षा AIBE अर्थात ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अगस्त 2019 में होने वाले AIBE 14 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको AIBE 14 से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये जान लें कि हमारा चैनल आपको AIBE एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सलूशन, AIBE का सिलेबस एवं AIBE एग्ज़ाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, AIBE एग्ज़ाम से रिलेटेड संपूर्ण इन्फॉर्मेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, जहाँ जाकर आप उसे पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा AIBE 14 का नोटिफिकेशन 8 जून 2019 को जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार AIBE एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 जून 2019 से भरने स्टार्ट हो गए हैं और इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त 2019 रखी गई है। अर्थात आप 12 अगस्त 2019 तक AIBE एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको 21 अगस्त 2019 को अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन AIBE की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और 25 अगस्त 2019 को पूरे भारत के विभिन्न शहरों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, AIBE एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट का सर्टिफिकेट एवं एडवोकेट ID कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट चाहते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना होगा। 80% से अधिक विकलांग व्यक्ति को AIBE एग्ज़ाम में दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, और उसको पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के रजिस्ट्रेशन में इतनी महंगी फीस भरने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और वो एग्ज़ाम देने के लिए डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, फॉर्म रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म अपलोड करना होता है। इसलिए आप सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कराएं और उन कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करके उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड करें। तो दोस्तों, फॉर्म भरते समय हमसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत इंटर हो जाती है या अपलोड हो जाती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको संशोधन करने का मौका दिया जाता है। तो वो संशोधन करने का मौका आपको कैसे मिल सकता है? तो उसके लिए आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वहाँ से जा कर के आप जो है उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसे भरनी होगी। तो दोस्तों, AIBE एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको उस फॉर्म को कहीं भी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसके प्रिंटआउट की कॉपी आपको अपने पास रखनी चाहिए। तो दोस्तों, AIBE 14 के रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के स्टार्टिंग में आपको अपना स्टेट बार काउंसिल का इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट ईयर भरना होगा। उसके बाद आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, और सबमिट करने पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
उसके बाद आपको अपने अकाउंट पर इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म का प्रिंटआउट भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली जो एडमिट कार्ड की डेट है उस पर आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।